वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। अभी जो है हम लोग चलेंगे एमजी मार्ग। मॉर्निंग में जो हमारा था वो 10 पॉइंट था गैंगटॉक, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब जो है कि इवनिंग में भी थोड़ा टाइम बचा है कल, क्योंकि मैं लेट से आया था तो जिसकी वजह से एमजी मार्ग का प्लान कल मेरा था बट लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी जो है हम लोग एमजी मार्ग को एक्सप्लोर करेंगे, साथ के साथ देखते हैं आसपास कोई चाय का, क्योंकि कल मैं आ रहा था तो एक चाय का टपरी दिखा था, तो वहाँ चलते हैं चाय पियेंगे। उसके अलावा मार्केट घूमते हैं, और गैंगटॉक में जगह जगह पे तो शॉपिंग सेंटर है, पैंटालून वगैरह भी हैं, ब्रांडेड क्लोथ वगैरह भी मिल जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो मेनली चार बाज़ार है, एक है एमजी मार्ग जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, दूसरा है लाल बाज़ार, एक हैंडलूम के लिए भी मार्केट है स्पेशली जहाँ पे आप हैंडलूम वगैरह ले सकते हैं, और एक बुक मार्केट है जहाँ पे आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं वहाँ से। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम बाकी और बाज़ार को एक्सप्लोर करें, तो हम लोग एमजी मार्ग को ही सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे। और कल जो है मॉर्निंग में हमारा नथुला पास, नेक्स्ट डे जो है नॉर्थ सिक्किम के लिए हुआ। तो चलिए अभी होटल से बाहर चलते हैं और काउंटर पे थोड़ा ट्राई करते हैं कि अगर ये वाला रूम एक चेंज हो जाए तो वो हम लोग कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं कैसी सर्विस है इनकी। चलिए ठीक है, मिलते हैं। मैं रूम से निकल गया हूँ और मेरा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और हम लोग जो है कि नीचे जा रहे हैं। सीढ़ी से उतरते ही है वो जो है सामने एक बड़ा सा स्पेस हॉल टाइप का बना हुआ है जिसमें चेयर वगैरह और बैठने के लिए रखा हुआ है। अगर कपल वपल है तो यहाँ पे आप बैठ उठ सकते हैं। साथ में जो है कि यहाँ पे जो है एक छोटा सा किचन है, किचन कम बार टाइप का है जहाँ पे आप जो है कि वो कुछ ड्रिंक व्रिंक और खा पी सकते हैं। मैं होटल से निकल चुका हूँ, सामने जो है मेरा होटल भी है और होटल जो है वो नंग जो है वो रोड पे है, और नंग रोड जो वो डायरेक्ट जो है आपको एमजी मार्ग से कनेक्ट होता है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आप जब भी आए तो रूम इसी के आसपास लें। सामने जो है वो पैंटालून है, आप यहाँ भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के जो है वो क्लोथ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गैंगटॉक का सबसे फेमस प्लेस एमजी मार्केट पे। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है एमजी मार्केट जो है वो, जिस तरह से मनाली के लिए माल रोड जो है खूबसूरत है और जो है कि अट्रैक्टिव पॉइंट है, उसी तरह जो है कि गैंगटॉक के लिए जो है वो एक मनाली ये सॉरी एमजी रोड जो है वो एमजी मार्ग शॉपिंग हब के साथ साथ जो है यहाँ पे बहुत सारे होटल भी हैं। एमजी मार्ग पे होटल कॉस्टली है थोड़ा, जो कि आप कोशिश करें कि उसके आसपास जो है वो रोड वगैरह जो है जैसे नम रोड और भी बाकी रोड है वहाँ पे जो कि आप रूम ले लें, जिससे कि आपको एमजी मार्केट में आने में भी बहुत इजी होगा और जो है थोड़ा प्राइस भी है एज़ कम्पेयर टू इस रोड के कम मिलेगा एमजी मार्केट। एमजी मार्केट गैंगटॉक का जो है वो दिल है और लोग यहाँ पे जो है अपना इवनिंग जो है वो इंजॉय करने आते हैं और टाइम एक्सपेंड करने आते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो है वो शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कुछ बाय कर सकते हैं याददाश्त के तौर पे, बट लेकिन आप कोशिश करेंगे यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं करते क्योंकि थोड़ा कॉस्टली मिलेगा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो छोटा मोटा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एमजी मार्ग में जो है रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं जहाँ पर जो है कि आप कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ का जो है सिक्किम का जो है टी है वो आप ट्राई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मिल जाएगा, और बहुत सारे चाइनीज़ जो है कि वो चाइनीज़ मोमोज़ वगैरह और जो चाइनीज़ डिशेज़ वगैरह वो मिल जाएंगे और इंडियन डिशेज़ वगैरह भी, तो आप वो जो है ज़रूर ट्राई करेंगे। एमजी मार्ग जो है वो 1 किलोमीटर का जो है फुटपाथ है जिस पे दोनों साइड जो है होटल रेस्टोरेंट और शॉप्स है, और बीच बीच में जो है बैठने के लिए बनाया गया, और तो बीच में जो एक गार्डन टाइप का छोटा सा जो है लगाया गया और बीच में यहाँ पे लाइट लगाया गया जो लाइट बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है और इस मार्केट को पूरा जगमगाए रहता है। और दोनों साइड जो है वो बिल्डिंग में जो है ग्रीन लाइट का एक पेन लाइन टाइप का दिया हुआ है। और एमजी मार्ग जो है वो फेमस है फूड के लिए और कल्चरल फेस्टिवल के लिए जो कि यहाँ पर दिसंबर में होता है। एमजी मार्ग जो है वो थर्सडे को जो है वो क्लोज रहता है, अब बाकी दिन जो है वो 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक जो है खुला रहता है। यहाँ पे जो है आप 1 से 2 घंटा में जो है कि आराम से पूरे मार्केट को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है और यहाँ पे जो है स्मोकिंग वगैरह भी जो है वो भी मना है। मैं जो है अभी कोई होटल जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये जो है मैं लास्ट में वीडियो में रिकमेंड करूँगा। मैं अभी जिस होटल में रुक भी रहा हूँ वो मैं रेफरेंस से ही रुक रहा हूँ,
तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करके फिर मैं उसके बारे में आपको जो है लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, जो लास्ट हमारा ब्लॉग होगा इस ट्रिप का उसमें, और जो है कि उसमें जो है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो रहेगा। और मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि होटल और खाने उने के लिए लेकर जो है कि सारा वो अलग से इन्फॉर्मेशन रहेगा उस वीडियो में। आगे सामने जो है वो महात्मा गांधी जी का जो है वो स्टेचू लगा हुआ है बड़ा सा, जो कि यहाँ का एक तरह का फेमस फ़ोटो शूट फेमस लोकेशन है और जो है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है वो। और सामने एक जो है कि हमारे देश का जो है वो झंडा भी लहरा रहा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है स्टेचू लगे हुए हैं जो यहाँ के कल्चर से जो है बिलोंग करते हैं लोग, उन लोगों के। ये जो है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कहीं भी ले सकते हैं। ये आई थिंक संडे को क्लोज रहता है, बाकी दिन तो ओपन रहता है। और यहाँ जो है आप अगर टैक्सी वगैरह लेके आते हैं तो यहाँ पे टैक्सी जो है वो आपको ड्रॉप देगा, इससे आगे टैक्सी अलाउ नहीं है। यहाँ से नीचे जाने पे एक मस्जिद भी है, नमाज वमाज आप वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है SBI का एक ब्रांच है। ये जो है बैठने के लिए बना हुआ है, आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह आपको मिल जाएगा। सामने जो है वो एक मंदिर भी है जिससे जो कि साउंड आ रहा है पूजा करने का, या कोई मंत्र वगैरह या कुछ ऐसा बज रहा है जिसकी वजह से वो जो है साउंड वीडियो में आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे कोई मंदिर या मिनिस्ट्री है। यहाँ पे पिज्जा हट है। जितने भी टैक्सी वगैरह आते हैं वो ड्रॉप पॉइंट जो है यहीं है, यहाँ से एमजी मार्ग पे अलाउ नहीं है टैक्सी, तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर इन्हें आता होना होता है घूम के आना होता है फिर से। और यहाँ जो है ऊपर भी जो है कि आप होटल वगैरह हैं वहाँ भी रूम ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको MG मार्ग के कंपेरिजन में। अगर गैंगटॉक आते हैं तो आप नाइट में जो है यहाँ का व्यू जरूर आए घूमने के लिए। ये जो सामने जो है वो रिलायंस ट्रेन जो है वो का स्टोर है रिलायंस का। सिक्किम में जो है आपको लॉटरी टिकट जो है बिकते हुए वो जगह जगह पर दिख जाएगा। यहाँ पे ही बहुत सारे जो है वो काउंटर बने हुए हैं जो कि लॉटरी टिकट बेचने के लिए जो है कि अभी फेस्टिवल के इस पे जो है कि लाया गया है, कोई लॉटरी वगैरह का यहाँ पे चलता है सिस्टम वो है, यहाँ पे जो कि आप लॉटरी वगैरह ले सकते हैं। ये जो है अब हम लोग जो है कि एक मार्क चाइना बाज़ार करके एक शॉप है जो कि MG मार्ग पे ही पड़ता है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जो है कुछ सामान वगैरह जो है वो हम लोग देखते हैं, तो ले सकते हैं तो कर लेंगे। और आप जो है कि इस शॉप पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है कि जो है बहुत सारे सामान ऐसे जो मिल जाएंगे जो आप यहाँ चीप एंड बेस्ट रेट पर है वो आप जो है कि ले सकते हैं अपने घर के लिए। मैं जो है वो लाल बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ जो कि MG मार्केट सटा हुआ ही मार्केट है, और जो है कि एक सीढ़ी से नीचे उतर के जो है कि वो आप लाल बाज़ार की तरफ जाएंगे, वो सिक्किम में सबसे बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे जो है आपको सिक्किम का लोकल प्रोडक्ट जो है वो आराम से मिल जाएगा, जो यहाँ के जो फार्मर्स वगैरह हैं वो अपने प्रोडक्ट वगैरह को यहाँ पर ला के बेचते हैं। और लाल बाज़ार में आपको मसाला हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का ये हो, कपड़ा हो, मोबाइल का प्रोडक्ट हो, या बाकी और जितने भी सारे एक्सेसरीज होते हैं वो सारे जो है आपको यहाँ पे बहुत ईजली वे में मिल जाएंगे लाल बाज़ार में चीप एंड बेस्ट रेट पे। और ये मार्केट जो है वो थर्सडे को जो है क्लोज़ रहता है,
अब बाकी वीक में जो है कि वो 8 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अब बस आप इतना ध्यान रखें कि आप थर्सडे को यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि ये मार्केट थर्सडे को बंद रहता है। और ये मार्केट जो है वो एमजी बाज़ार के नीचे ही पड़ता है, सॉरी एमजी मार्केट के जो है वो नीचे ही पड़ता है, और जो ढलान पे है ये मार्केट, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो है कि साइड में जो है रेरी टाइप से जो हमारे बाकी स्टेट्स वगैरह में जो है कि स्टोर लगा के बेचते हैं, उस टाइप का प्रोडक्ट जो है कि लगा हुआ है। तो ये आप आगे यहाँ ले सकते हैं, अगर लेना कुछ खरीदना चाहते हैं एमजी मार्केट में। तो सामने जो है वो एक मुस्लिम होटल है, जहाँ पे जो है कि मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। ये लाल बाज़ार से के लिए जो आप एमजी मार्केट से उतरते हैं उसी जगह पे वो होटल है, क्योंकि सिक्किम में जो है वो झटका चिकन चलता है, और मैं जो है वो झटका चिकन मुस्लिम में जो है कि खाना इस्लाम में मना है, तो इसलिए मैं झटका चिकन नहीं खाता हूँ। और ये जो है स्पेशल मुस्लिम व्यूअर जो है उसके लिए है कि आप जो है यहाँ पे आके चिकन वगैरह खा सकते हैं, खाना वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको हलाल जो है वो मीट मिलेगा। तो आप आइए होटल पे और ज़रूर खाइए। साथ में जो है कि मैं होटल वाला जो वीडियो डालूँगा अलग से, तो उसमें जो है कि मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूँगा, ये इसके पूरे डिटेल्स। ये मैंने जो है चिकन और रोटी मंगवाया है, और जो है कि रोटी भी ठीक लग रहा है देखने में साइज़ वगैरह, और बाकी जो है कि चिकन का भी जो है टेक्सचर अच्छा है, बाकी आप खा के देखते हैं कि कैसा है। जो है मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, और इसी रास्ते में जो है वो एक चाय का टपरी भी है, बट लेकिन मैं तो अब चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं कॉफ़ी पी लिया हूँ मुझे वहाँ पे। बट लेकिन अगर आप आते हैं तो वो नम रोड पर जो है कि आपको ये चाय का टपरी जो है वो दिख जाएगा, तो वहाँ पे जो है आप आके सिक्किम का जो टी है वो आप पी सकते हैं। ये रहा वो टी का स्टोर। मैं पहुँच चुका हूँ अपने होटल पे, ये भाई जो है वो रिसेप्शन पे ही रहते हैं, और जो है कि यही जो है बुकिंग वगैरह जो है वो देखते हैं। बाकी होटल जो है वो सचिन भाई का है जो मैनेज करते हैं होटल को। रिसेप्शन से नीचे आते ही गैलरी में जो है वो किचन रूम है, एक तरह का रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है, क्योंकि पीक सीजन पे जो है यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है एक छोटा सा रेस्टोरेंट होटल में ही बनाया गया है, जहाँ कि आप खाना वगैरह खा सकते हैं, और जो है कि आप अपने रूम में भी मंगा सकते हैं खाना। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जो है कि नीचे चिकन वगैरह ना खाएं, वेज वगैरह ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे जो है झटका चिकन चलता है, और मुस्लिम लोग जो है वो झटका चिकन नहीं खाते हैं। तो मैंने पीछे भी ब्लॉग में जो है कि वो मेंशन किया है वीडियो में कि यहाँ पे जो है एक एमजी मार्केट पे ही मुस्लिम होटल है, तो आप उस होटल में जाके खाएँ। और मेरे होटल वाला ब्लॉग को आप देखेंगे तो उसमें जो है कि आपको उसका पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा, और वो अंकल से मैंने बात की थी, तो वो वीडियो उसमें है। कल का टिप जो है वो मेरा इस सिक्किम का है, जो कि सचिन भाई ने ही बुक किया है, उसका जो है उसके लिए जो है मुझे कल जो है मॉर्निंग में जो है बाजरा टैक्सी स्टैंड जाना होगा, वहाँ से जो है कि फिर इस सिक्किम के लिए गाड़ी जाएगी, और वो जो है मुझे शाम में जो है कि वो छोड़ देगी वहीं फिर दोबारा, और वहाँ से फिर टैक्सी लेके मुझे होटल आना होगा। इस ब्लॉग में यहीं तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है कि आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। मैं एमजी मार्केट पे जो है कुछ टाइम लैप्स वीडियो लिया था, जो कि मैं लास्ट में वीडियो में डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखें।